अब एमिली पर कुछ स्पिरिचुअल प्रक्रिया करने के लिए ये सभी इसे हॉस्पिटल के एक खाली रूम में ले जाते हैं। वहाँ फादर उन सभी को उनकी फेवरेट चीजों को उस बॉक्स में रखने के लिए कहता है, और जैसे ही स्पिरिचुअल प्रक्रिया शुरू होती है तभी एमिली के अंदर की बुरी आत्मा बाहर आ जाती है और वो वहाँ से भागकर मुर्दा घर में आ जाती है, जिसका पीछा करता हुआ एमिली का पिता भी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वो उस बुरी आत्मा से बार बार कहता है कि वो एमिली को छोड़ दे और उसे पकड़ ले, जिस कारण वो आत्मा एमिली को छोड़कर उसके पिता में घुस जाती है। तभी फादर उस आत्मा का नाम जोर जोर से अभिजो लेने लगता है, जिससे वो आत्मा एमिली के पिता के मुंह के अंदर से बाहर निकलकर उस बॉक्स में चली जाती है। लास्ट में फादर उस बॉक्स को अपने साथ एक सेफ जगह पर ले जा रहा होता है, लेकिन तभी एक ट्रक फादर की कार को उड़ा देता है, जिससे फादर की वही मौत हो जाती है। और मूवी के आखिरी सीन में हमें रोड पर वही हॉरिबल बॉक्स दिखाई देता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।